तो एग्जिट पोल के नतीजे ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी को रोकने का गठबंधन का हर दाव बेकार गया है। बीजेपी अपने ज्यादातर किलों को बचाने में पूरी तरह से कामयाबी रही है। यूपी में भी अखिलेश और मायावती की दोस्ती के बाद बीजेपी ने मैदान मार लिया। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी को रोकने की विपक्ष की कोशिशें नाकाम रही। चौकीदार चौकीदार चौकीदार। महागठबंधन की रैलियों में भीड़ तो जुटी लेकिन वोट नहीं मिला। रोड शो में रौनक तो दिखी लेकिन वोट में चुंबक नहीं लग पाया। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि यूपी में भले ही बीजेपी को 2014 जैसी तूफानी जीत नहीं मिल रही लेकिन मोदी ने मायावती अखिलेश के गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी की कुल 80 सीटों में 62 से 68 सीटें बीजेपी को, एसपी बीएसपी को 10 से 16 और यूपीए को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि यहां अखिलेश यादव और मायावती का गठजोड़ काम नहीं कर पाया, मतलब यूपी में बीजेपी की पकड़ बरकरार रही। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात की 26 सीटों में से बीजेपी 25 से 26 सीटें जीत रही है जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीटें ही मिल रही हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए 38 से 42 सीटें हासिल कर रही है जबकि कांग्रेस गठबंधन को 6 से 10 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है। मतलब एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि तमाम अटकलों और सियासी अगर मगर के बीच गुजरात और महाराष्ट्र पर भी मोदी की पकड़ बरकरार रही। मैं मानता हूं कि एनडीए को 330 सीट से भी ज्यादा सीट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को भी 282 सीट जो लास्ट टाइम मिली थी उससे ज्यादा सीट मिलेगी और गुजरात में भी 26 से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी के साथ रहेगी। हाल में हुए एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी 26 से 28 सीटें जीती दिख रही है तो कांग्रेस 1 से 3 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। राजस्थान की 25 सीटों में से भी बीजेपी गठबंधन 23 से 25 सीटें जीतता दिख रहा है जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल रही हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करने वाली कांग्रेस को भी बीजेपी ने बहुत कम समय में पीछे छोड़ दिया। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी 7 से 8 सीटें जीत रही है जबकि कांग्रेस को 3 से 4 सीटें ही मिल रही हैं। ये आकलन मुझे बिल्कुल सच के करीब लग रहा है। जनता में जो उबाल था भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के समर्थन के लिए, मोदी जी के प्रति प्रेम, देश के दिल, मध्य प्रदेश की जनता के दिल में भी मोदी जी बसे थे और दूसरे हमारी जो सरकार गई उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने जो दुर्गति की उसके कारण अब मध्य प्रदेश में भाजपा याद आ रही थी, मेरी सरकार याद आ रही थी और हर जगह लोग ये कहते थे कि हम बदला ले लेंगे लोकसभा के चुनाव में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने की बड़ी कोशिश की है लेकिन दिल्ली का नतीजा भी इस बार 2014 जैसा ही दिख रहा है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी 6 से 7 सीटें हासिल कर सकती है तो कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल के नतीजे हजम नहीं हो रहे हैं। चुनाव आयोग तो बंद कर देना चाहिए, ये काउंटिंग क्यों हो रही है? काउंटिंग के पहले ये इसी एग्जिट पोल के आधार पे भेज दीजिए, जाके दावा कर दें राष्ट्रपति के यहाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए दोबारा देश के। हरियाणा के एग्जिट पोल के मुताबिक वहाँ की 10 सीटों में से 8 से 10 सीटें बीजेपी को मिलेंगी जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है। उत्तराखंड में एग्जिट पोल तो कहता है कि वहाँ सभी 5 सीटें बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं होगा। एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी पकड़ बना चुकी है। असम की 14 सीटों में से बीजेपी गठबंधन 12 से 14 सीटें हासिल कर रही है जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल के नतीजे तो कम से कम यही इशारा कर रहे हैं
कि तमाम सियासी झंझवातों और विरोधी पार्टियों की जोड़ तोड़ के बावजूद बीजेपी ने हिंदुस्तान के नक्शे के बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बरकरार रखी है। आज तक ब्यूरो।